नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती पे। दोस्तों, कलश स्थापना के लेकर जो है आप लोग कई समय कई सवाल करते, तो उसमें से एक सवाल ये है कि अग्नि शक्ति या अग्नि पूजा के साथ जो है या कलश को भी कई समय यज्ञ रूप में दिखाया जाता है, यानी कि कलश में जो हम पुष्प कर्म पूजन आदि कर रहे हैं वो भी एक यज्ञ है, इसके बारे में कहा जाता है। और तंत्र की कई सारी उक्ति में जो है इसे वह्नि पूजन कहा जाता है, यानी कि अग्नि पूजन भी कहा जाता है। इसका अर्थ असल में क्या है, तो देखिए दोस्तों, कलश की स्थापना हम जो करते हैं वो भी हम परम ज्योति के रूप में ही करते हैं। अर्थात जो है कई जगह पर विग्रह की हम मतलब मूर्ति विग्रह आदि का हम प्रतिष्ठित नहीं करते, वहाँ पर प्रतिकृति और केवल कलश में, या कई जगह पर तो केवल कलश में हम पूजन करते, तो कलश में ही जो है हम ज्योति रूप में ईश्वर की प्रतिष्ठा करते हैं। जिनके हम पूजन करना चाह रहे हैं उनके आवाहन आदि जो है हम कलश में कर रहे हैं। तो इस विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर जो है वो ज्योति स्वरूप में है, उस ज्योति स्वरूप को ही हम जो है साकार विग्रह आदि में हम दर्शन कर रहे हैं। तो कलश स्थापना भी जो है उस ज्योति यानी कि वह्नि स्थापना एक प्रकार से जो है उस वह्नि पूजन यहाँ पर जो है अग्नि शक्ति का पूजन नमन ही है। तो ये भी एक प्रकार से जैसे यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, तो पुष्प कर्म के माध्यम से कलश में हम जो पूजन आदि निवेदन कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से हम अग्नि में ही आहुति दे रहे हैं, अगर आप यज्ञ भावना की बात करें। और हम देखिए कलश जब हम पूजन कर रहे हैं तो कलश में अग्नि शक्ति, इसीलिए हम जो है धूप दीप कलश स्थापना के साथ हम जो है अखंड धूप दीप या फिर धूप दीप प्रज्वलन करके जो है पूजन करते हैं, हम आरती कर रहे हैं कलश स्थापना के, कलश स्थापना से जो पूजा हम शुरू कर रहे हैं, कलश स्थापना ही प्रथम कार्य होता है, हर जो है पूजा का प्रथम कार्य होता है कलश स्थापना, और संपूर्ण यानी कि समाप्त कार्य बोल सकते हैं, समाप्त असल में नहीं कहा जाता है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, समाप्त यानी कि संपूर्ण कार्य जो होता है वो आरती होता है। धूप दीप से कम जो है आरती के माध्यम से ही जो है वो संपूर्ण होता है, अर्थात अग्नि शक्ति के रूप में जो है हम स्थापना कर रहे हैं और उस अग्नि के माध्यम से ही जो है उस अग्नि संस्कार के माध्यम से ही जो है हम पूजा को पूर्ण कर रहे हैं। तो ये जो विषय है ये एक प्रकार से अग्नि पूजन या अग्नि में ही निवेदन करने की विषय आ जाते हैं, चाहे आप यज्ञ भावना से सोचे, आप जो है आगम की तंत्र भावना से क्यों ना, मतलब आगम की जो पूजा पद्धति की भावना है उससे सोचे। तो इस विषय को ज्ञानार्णव तंत्र में बहुत सुंदरता कहा गया है। ज्ञानार्णव तंत्र में देखिए कितने अच्छे से इस विषय को कहा गया है कि पूजन के अंग का, पूजन अंग का कलश आदि की स्थापना जो है वो सर्वप्रथम कार्य होता है, पूजन के सर्वप्रथम कार्य जो होता है वो कलश स्थापना होता है। कलश स्थापित करने के लिए भूमि पर बड़ा सा चकोर मंडल जल से बना, ये जल से बनाने के बारे में कहा गया है, यहाँ पर पंचगुड़ी आदि के विषय नहीं है, वो आगे आ रहे हैं दोस्तों। उस पर मंडल की पूजा करके उस पर स्वर्ण रजत या ताम्र आदि का आधार तिपाय आदि स्थापित करें। ताम्र आधार जो है यानी कि एक चौकी जैसे, आधार का मतलब होता है जिसमें आप कलश को रख रहे हैं, हम मिट्टी का ही आप देखेंगे ज़्यादातर जो है हम मिट्टी या भद्रमंडल आदि बनाकर जो है उसके ऊपर स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले मंडल बनाकर एक चकोर मंडल बनाकर जो है, कई जगह पर त्रिकोण भी बनाकर जो है देवी और देव पूजा के हिसाब से यह होता है, बनाकर जो है उनके पूजन करना, उनके ऊपर फिर आधार को स्थापित करना जो है। आधार मतलब होता है आसन, हम मिट्टी के माध्यम से ये आसन दे सकते हैं या फिर जो है ताम्र का जो है हम ये आधार स्थापन कर सकते हैं। और इसके बाद जो है देखिए कहा क्या है, ये आधार वह्नि मंडल रूप है, ये आधार जो है वो वह्नि मंडल रूप है यानी कि अग्नि रूप है ये आधार। ये जो हम आसन स्थापित कर रहे हैं दोस्तों, जिसके ऊपर हम कलश को स्थापना करेंगे वो जो है वो वह्नि मंडल रूप है, इस पर 10 कलाओं के सहित अग्नि का पूजन करें। यहाँ पर देखिए हम लोग शायद संपूर्णता से ये सारे जो हम लोग साधारण तौर पे पूजन आदि कर रहे हैं
उनके लिए ये सब कुछ करना संभव नहीं होता है, पर साधारण तौर पर आपको इसका ज्ञान होना चाहिए ताकि आप जब ये स्थापना कर रहे हैं तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि आप जो है एक प्रकार से बन्ही मंडल रूप में जो है यानी कि अग्नि शक्ति के रूप में कलश की स्थापना कर रहे हैं। आपके मन में अगर ये भाव होते हैं और उस भावना से आप स्थापना कर रहे हैं तो भी आपका जो है आप जो है बहुत सारी क्रिया आदि से अगर वो ना भी कर पा रहे तो भी आपका मूल विषय जो है वो संपूर्ण होता है। तो इस पर दश कलाओं के सहित अग्नि का पूजन करें, आप अग्निदेव का आवाहन या अग्निदेव को नमन करके भी जो है उस आधार को आधार के ऊपर आप कलश रख सकते हैं। अग्नि के कलाएं है धूम्रा, जो आधार है उसे बन्ही मंडल कहा जा रहा है, जो आधार यानी कि जो आसन जो है कलश को जो आसन दिया जाएगा उसे कहा जा रहा है। अग्नि के कलाएं है दस कलाएं में धूम्रा नीलवर्णा, धूम्रा नीलवर्णा कपिला विस्फुलिंगिणी ज्वाला हैमवती कव्यवाहिनी हव्यवाहिनी कव्यवाहिनी हव्यवाहिनी रौद्री और शंकरशिनी, ये जो है अग्नि के दस कलाएं हैं। मैं अग्नि आदि के ऊपर आप लोग बहुत बार मुझसे धूप अग्नि होम अग्नि इसके ऊपर बात करते हैं, अग्नि के अलग अलग विषय को लेकर मैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा दोस्तों आगे इन सारे विषयों के ऊपर। एक्चुअली बहुत सारे कंटेंट है और मुझे जो है कई सारे समय को एडजस्ट करके आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, तो कई सारे विषय क्या होता है कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट आदि आ जाते हैं तो उसके ऊपर पहले बनाना पड़ता है, जो मेरा प्लान में रहता है वो थोड़ा पीछे चला जाता है, इससे थोड़ा देर हो जाता है। और अग्नि के कलाएं जो है तो धूम्रा नीलवर्णा कपिला विश्वलिंगिणी ज्वाला हैमवती कव्यवाहिनी हव्यवाहिनी रौद्री और शंकरशिनी, ये दस कलाएं जो है इसका आप कल्पना कर सकते हैं। इसका कल्पना करते हुए अग्नि शक्ति को प्रणाम करते हुए जो है ना उस आधार के ऊपर जो है अब आपको कलश की स्थापना करना चाहिए। कहा ही गया है कि इस आधार पर अब जो है स्वर्ण आदि उत्तम धातु से बना हुआ सुंदर कलश को स्थापित करें, इसके ऊपर यानी कि आधार के ऊपर, इस आधार पर स्वर्ण आदि उत्तम धातु या मिट्टी से बना हुआ सुंदर कलश को स्थापित करना चाहिए। तो जो आधार हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो आसन हम दे रहे हैं कलश को जो है दीपाधार धूपाधार यानी कि जिसमें हम धूप दीप जला रहे हैं, तो कलश के आधार कलश जिस आधार पर हम रख रहे हैं, हम मिट्टी पर आजकल जो है ज़्यादातर हम मिट्टी ही देते हैं और ताम्र के ताम्र आधार जो है दिया जाता है, तो ये जो आधार होता है ये जो है अग्नि के दस कलाओं से पूर्ण इस प्रकार भावना से ही जो है हमें कल स्थापना करना है, आधार के पूजन करना है। आधार में जो है हमें अग्नि का अग्नि के दस कलाओं के सहित अग्नि का पूजन करना चाहिए और तभी जो है वो आधार जो है अग्नि मतलब कलश भी तो देखिए अग्नि शक्ति परिपूर्ण नहीं हो रहा है। जल देखिए दोस्तों, कलश में जल मूल होता है, मतलब कलश जल पूर्ण होता है, तो जल भी जो है अग्नि के ताप, उसके बाद वायु जो है अग्नि से धूम्र, उस धूम्र यानी के वायु से ही जो वायु के संयोग से ही जल उत्पन्न हो रहे हैं, तो जल भी जो है वो अग्नि शक्ति का भी प्रतीक है। तो जल भी जो है वो अग्नि का ही प्रतीक है, वायु अग्नि और वायु माध्यम से ही जो है जल की उत्पत्ति है, तो वो भी अग्नि शक्ति हो गया। तो इस विषय को जो है स्पष्टता यही पर मिल जाती है कि जो आप लोगों का सवाल है कि अग्नि शक्ति क्यों कहा जाता है कलश को जो है अग्नि शक्ति या बन्ही शक्ति बन्ही मंडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बन्ही मंडल अग्नि के दश कलाओं के पूजन करते हुए आधार यानी कि आसन के ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है, तब वो पूर्ण ज्योति स्वरूप ज्योतिष अग्नि शक्ति ज्योति स्वरूप जिस साकार रूप में हम उनके पूजन कर रहे हैं उनके ही ज्योति स्वरूप में हम कलश में भी उनका आवाहन कर रहे हैं, चाहे हमारे सामने विग्रह हो या ना हो, हमारे सामने प्रतिकृति हो या ना हो, पर कलश में उस ज्योति अग्नि स्वरूप में ही जो है अखंड अग्नि स्वरूप में बोल सकते हैं आप जो है अखंड ज्योति स्वरूप में अखंड अग्नि स्वरूप में जो विराजित है इस विश्व ब्रह्मांड में उस वही जो है उस कलश में भी विराज रहे हैं, तो यही जो है कलश की वन्नी शक्ति या जो है अग्नि शक्ति है। तो मुझे लगता है दोस्तों अग्नि के साथ जो है अग्नि के बिना असल में अग्नि के बिना हमारे कोई भी सनातन कार्य नहीं हो सकता, अग्नि ही हमारे सनातन कार्य का मूल है, चाहे वेद हो तंत्र कार्य हो, इसीलिए इसे शाग्निक कहा गया है। शाग्निक का अर्थ होता है
कि अग्नि के माध्यम से जो कार्य होता है, अग्नि रहित जो कार्य होता है, वो निराग्निक कहा जाता है। हमारे सनातन कार्य जो है वो हमेशा शाग्निक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।